वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर, उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, उनसे बात की मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने। सर, मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने आज जो बोला है, क्या लगता है आपको, आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, एक अच्छी बिगिनिंग है। मतलब उनका जो मौन व्रत थे इस विषय पे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुछ नहीं बोल रहा, जब करीब 3 महीने से इतनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे देश में चल रही है, तो प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनना ही चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि जब वो इतने अच्छे बोलते हैं और इस विषय पे नहीं बोला, तो इससे लोगों को दूसरे संदेश मिल जाते हैं। मैं खुश हूँ कि उसने कुछ कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि वे पार्लियामेंट में भी आके, जो हमारे देश के मंच है इस किस्म के विषयों के लिए, यहाँ आके वो भी बोले। एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, और आज आपको लगता है कि पूरे पॉलिटिकल क्लास को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है एकजुट होकर के? इस पर वाद-विवाद से ज्यादा सब कुछ ना कुछ तो कह चुके हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस किस्म की जो कुछ चल रहा है वहाँ। 80 लोग के देहांत भी हो गए, और अभी ये जो आक्रमण औरतों के खिलाफ, हम कैसे क्या बोलूं। हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार देश को बताएं, पहली बात उनकी सोच इसके बारे में, दूसरे अपील करें मणिपुर के सारे पक्ष को कि एक साथ जीने की बड़ी ज़रूरत है, और तीसरी बात यह है कि उनके तरफ से कोई सीरियस डिस्कशन चले पार्लियामेंट में, जहां कि वो बताएं कि हम ये सब कोशिश किए, ये किया, वो किया, ये नहीं चला, ये क्यों चलेगा, और आगे क्या करने वाले हैं। मेरे ख्याल में जो सरकार अब तक किए हैं, बहुत मेरे ख्याल में निराशापूर्वक पॉलिसीज़ है उनके मणिपुर में।